हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। सो फ्रेंड, यहां पर जो है कल काफी लोगों को देखने को आया है रिजेक्शन मेल फ्रॉम दी विप्रो टीम। अब ये रिजेक्शन मेल किन लोगों को देखने को आया है, आई विल डिस्कस व्हाई द कैंडिडेट्स आर रिसीविंग रिजेक्शन मेल। सर, आई एम यूजिंग अ सोशल मीडिया साइट फॉर शेयरिंग फॉर आस्किंग माय अनबोर्डिंग जॉइनिंग सर, इट विल लीड टू रिजेक्शन सर। So this type of queries I am going to solve in this one single video. So please watch the video till the end because I will also discuss the phase 1 and phase 2, the expected date of joining as well. So this video is very important for all of you guys who are waiting for their onboarding joining mail and last 4 to 5 months, you can say 9 to 10 months. So let's begin this video without any further delay. So first of all, you are going to receive this kind of mail from the Wipro team that like 30 September 5:15 one of my subscriber got this mail and he shared his screenshot from my Telegram. Okay, so let's start what they mention. Wipro candidate update, global hiring update. So sir, which batch is this is? So this is basically our 2021 batch from the Elliott phase 1 candidates. So please don't ask again questions sir. Ye screenshot kiska hai, kaun sa aaya tha, maine bata diya. Thank you for participating in Wipro hiring process. While performing the assessment or interview compliance check, it will be identified that you have not been compliant with Wipro hiring guidelines. Hence, we regret to inform you that we cannot take your candidature further. Wishing you all the best in your future career endeavors. Global hiring team, okay, global campus hiring team, Wipro Limited. Ab dekhte hain. No, sir. Yesterday, I got rejection mail after performing good in interview and wait for my onboarding Elliott phase 1. Okay, I'm waiting. Hoga, theek hai. And my few friends from phase 2 also received rejection mail. बता दो फ्रेंड, यहाँ पर जो rejection mail आ रहा है ना, अब आप लोग सोचोगे सर ये rejection क्यों? क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से वीडियो बना रहा हूँ विप्रो के ऊपर में, काफी लोगों का rejection mail आ रहे हैं। किसी को आ रहा है कि आपने विप्रो एग्जाम में गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। देखो, ये जो भी कर रही है ना, अगर मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में बोलूँ, बिना किसी डिले के, बिना किसी घुमा फिरा के, तो सिंपल सा मतलब है, मैंने ऐसे लोगों से बात करा जो बंदे पढ़ने में काफी अच्छे, उन्होंने चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करा था। उनका कहना है सर मैंने तो एकदम चीटिंग नहीं करा था, मैं कोडिंग में भी अच्छा हूँ, मैं सब में अच्छा हूँ, बट उसके बाद भी मेरा रिजेक्शन मेल आता है कि ये बोल गई कि मैंने चीटिंग किया एग्जाम, बट मैंने किया ही नहीं है, मैं कैमरा से हटा ही नहीं हूँ। ऐसे ऐसे लोगों को भी रिजेक्शन मेल आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बंदे हो जो चीटिंग कर रहे हो तो शांत हो जाएंगे सर, चलो ठीक है मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं कि मैं ऑलरेडी चीटिंग किया हूँ, बट ऐसे भी लोग जो विदाउट डूइंग एनी चीटिंग वाइल गिविंग देयर एग्जाम और इंटरव्यू, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, उनको भी रिजेक्शन मेल आ रहा है, ऐसा क्यों? देखो, सिंपल सा लैंग्वेज में बताऊँ तो विप्रो कंपनी जो लोगों को निकाल रही है, यहाँ पर लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, सिंपल वे में बताऊँ तो। क्योंकि देखो यार, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो फ्रेंड, आपको लगता है मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो में व्यूज आते हैं, लोग कमेंट करते हैं, बट इसके अलावा मेरे अदर सोशल मीडिया साइट भी है जहाँ पर मुझे काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग मुझे अपने क्वेरीज को शेयर करते हैं, मैं डेली कम से कम 10 से 12 लोगों से बात करता हूँ, उसके अपडेट लेता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या अपडेट से कंपनी के साइट से, एचआर से कॉन्टेक्ट में रहता हूँ, उनको मेल करता हूँ, उनका मेल 2-3 दिन बाद रिप्लाई आता है, बट कोई नहीं आता तो है एटलीस्ट, तो वहां से मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये है पूरा माजरा कि विप्रो कंपनी बस निकाल रही बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर प्रोजेक्ट, एंड जिन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है ना, आप ये मत खुश होना सर जिन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ उनका तो बल्ले बल्ले हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ वो भी बेंच पे, काफी लोग बेंच पे, काफी लोग को सपोर्ट रोल मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि जिनका ज्वाइनिंग हो रहा है वो लोग काफी खुश है और जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ वो लोग दुखी हो जाए। हाँ, थोड़ा सा अच्छा है कि ज्वाइनिंग हो गया, आप लोग का ज्वाइनिंग नहीं हुआ आप लोग वेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन मिला रहा है। सर, क्या हम सोशल मीडिया साइट यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या लीड करेगा रिजेक्शन का? देखो, ये आपका लीड नहीं करेगा रिजेक्शन को, बट हाँ एक बात है, अगर आप लोग डायरेक्ट मेल करते हो, जैसे मान लो कि हम लोग एग्जाम का रिजल्ट आ गया और आपका मान लो कि कम परसेंटेज आया, आपके फ्रेंड का 98%, आपका आया 78%, तो आपको गुस्सा आया कि मैंने तो एग्जाम अच्छे से लिखा है, आपने क्या किया, आपने क्लास टीचर को बोला कि सर मेरा रिजल्ट फिर से चेक कीजिए, आप मेरे एग्जाम पेपर फिर से चेक कीजिए। आप जो सेकेंड जो पेपर चेक होता है ना फ्रेंड, वो थोड़ा सा टाइटली चेक होता है, जैसे आप लोग यूज कर रहे हो सोशल मीडिया की प्लीज प्रोवाइड मी ऑनबोर्डिंग, तो लोग ऑनबोर्डिंग नहीं देने वाले हैं, वो आपके प्रीवियस कैंडिडेट को चेक करेंगे, जब आपने एग्जाम दिया था वो पूरा रिकॉर्डिंग होता है आप लोग का, ठीक है, रिकॉर्डिंग चेक करेगा, आपने इंटरव्यू दिया था उस एचआर से बात करेंगे, तो ये सब मतलब आपका पीछे जो भी आपने किया, वो एग्जाम में किया हो चाहे इंटरव्यू में दिए हो, वो पूरा एक एनालाइज किया जाता है, पूरा एनालाइज करके आपको ऑनबोर्डिंग मिलता है। ऑनबोर्डिंग ऐसा नहीं कि सर मैंने ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहा हूँ, मुझे ऑनबोर्डिंग दो, सोशल मीडिया में शेयर करा मुझे ऑनबोर्डिंग चाहिए, ऑनबोर्डिंग दो, ऐसा ऑनबोर्डिंग नहीं मिलता है। कंपनी अब जो कंपनी के पास प्रोजेक्ट है नहीं, वो क्या करेगी, लोगों को झाटने के लिए क्या करेगी, अब पीछे जाएगी, अब बैक जा रही है, वो एग्जाम तक पहुंच गई है, एग्जाम को चेक कर रही है वो लोग कि एग्जाम कैसा बंदा दिया था, थोड़ा सा भी इनएक्टिविटी लगा रिजेक्शन। इंटरव्यू हुआ, एचआर ने कुछ भी ऐसा कहा कि नहीं इंटरव्यू में आई थिंक थोड़ा सा परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब था, रिजेक्शन है ना।
तो ये जो क्राइटेरिया है ये बढ़ता चला जा रहा है, आप लोग पर ये प्रेशर आ रहा है क्योंकि आप कंपनी ऑनबोर्डिंग पर ध्यान नहीं दे रही है, वो ध्यान दे रही है आपके प्रीवियस वाले एग्जाम इंटरव्यू पे, है ना। तो वो जब चेक होगा ना, उसमें बहुत सारे लोग छटाते हैं, है ना। एक बार जब रिजल्ट आता है तो सब खुश हो जाओ, अगर दोबारा आप लोग जाते हो रिजल्ट को नंबर बढ़वाने, या फिर आपको लगता है नंबर में बढ़ेगा, तो 2% चांस होते कि नंबर बढ़ेगा और 98% चांस रहते कि नंबर घटेगा। ठीक है, 10th में मेरे साथ में ऐसा ही हुआ, तो मैं नंबर को बढ़ाने के लिए गया था, ठीक है, तो मेरा नंबर घट गया, है ना। तो एक बार जो नंबर आ गया, एक बार जो अपडेट आ गया, उसमें खुश रहो। और जिसका ऑनबोर्डिंग नहीं आ रहा है, आप क्या सर मैं सोशल मीडिया का यूज करूँ ही ना, देखो यार ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप लोग कंपनी को मेल कर दो और वेट करो। सोशल मीडिया का साइट यूज करोगे तो आपको ज्यादा डीप में जाकर चेक करेगी आपको कि आप हो कौन, किस चीज को ऑनबोर्डिंग चाहिए, क्योंकि उनके पास उनको कम लोगों को छाटना है, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। तो आपको मैं आई थिंक समझ में आ गया मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ। कुछ डाउट्स रहता है मन में आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा विद इन 1 आवर्स के अंदर में। आप लोग कमेंट करना, और ज्यादा कमेंट्स है तो आप लोग मुझे डीएम वगैरह भी कहीं ना कहीं कर सकते हो, जहाँ भी कर दो, ठीक है। वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ में, और मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, दुर्गा पूजा के समय मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरा सपोर्ट प्यार जरूर दिखाना, क्योंकि मैं अभी यहाँ से हार नहीं मानने वाला, भले मुझे कितनी भी नेगेटिविटी मिले, मुझे कितने भी लोग हेट करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं अपना मेहनत करता रहूंगा, और एक दिन मुझे सफलता जरूर मिलेगी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैं यूट्यूब का पहला चैनल है जो इस तरह कंटेंट बनाना चालू किया था, है ना। वैसे पहले से कोई भी चैनल नहीं था जो इतनी वीडियोज बनाते थे एक दिन में। मेरा आने के बाद यूट्यूब पे आग लग चुका कि बहुत सारे यूट्यूबर खड़े हो रहे जो वीडियो बना रहे, जो खैर जो भी हो जैसा भी हो, सपोर्ट अपना जरूर दिखाना, मुझे भी दिखाना और अदर लोगों को सपोर्ट दिखाना जो मेहनत कर रहा है यूट्यूब पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी दुर्गा पूजा।